नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग लता INC। आप लोगों ने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा अब हिंदी में ही बात किया करूंगी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेनी सीजन के डूज और डोंट्स, कि हम रेनी सीजन में भी अच्छे कैसे दिख सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो टिप नंबर 1, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बारिश के मौसम में भी लगानी चाहिए हमें। बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि रेनी सीजन है, क्लाउड्स हैं, तो हम तक जो है वो धूप नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम टैन नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन 30 SPF तक की या उससे थोड़ी ज़्यादा हमें रेनी सीजन में भी लगानी चाहिए। चाहे बिल्कुल आपको बाहर क्लाउडेड दिख रहा हो, फिर भी लगानी चाहिए, क्योंकि जो सन के यूवी रेज हैं वो तो भी हम तक पहुंच रहे होते हैं और हमारी स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं, इसलिए सनस्क्रीन इज अ मस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑल्सो। टिप नंबर 2 है वाटरप्रूफ मेकअप। हम जो कुछ भी मेकअप लगाएं, जैसे कि काजल लगाएं, मस्कारा लगाएं, या फाउंडेशन लगाएं, ब्लश ऑन लगाएं, जो भी चीज़ हम लगाएं वो वाटरप्रूफ होनी चाहिए। आजकल बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ मस्कारा भी आता है, काजल भी आता है, तो हम वही चीज़ें इस्तेमाल करें। लाइनर अगर 100% वाटरप्रूफ हो तो भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा अवॉइड करें, कि जगह पे आप 100% वाटरप्रूफ काजल लगा लें, लाइनर की जगह भी यूज़ कर लें, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी आपकी आँखों के ऊपर पड़ गया तो ऐसा हो सकता है कि जो 100% वाटरप्रूफ लाइनर है, लिक्विड लाइनर है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लीड कर जाए या बहने लगे, इसलिए आप उसे टोटली अवॉइड कीजिए। बहुत सी लेडीज़ की आदत होती है कि वो कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो वो मैं बारिश के मौसम में बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मेकअप बेस लगाना है तो कोई वाटरप्रूफ हल्का सा, बिल्कुल नेचुरल सा, जैसे कोई BB क्रीम है या CC क्रीम है, इस तरह की क्रीम्स का बेस लगा लीजिए जो कि वाटरप्रूफ हो, या फिर वाटरप्रूफ फाउंडेशन लगा लीजिए, लेकिन ये कॉम्पैक्ट जो है ना उसे आप अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पर आप यूज़ कीजिए ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। एक थोड़ा सा फर्क होता है, एक होता है वाटर रेजिस्टेंट मेकअप और एक होता है वाटरप्रूफ मेकअप। तो आप खरीदने से पहले एक बार उनसे पूछ लीजिए कि ये वाटरप्रूफ है या वाटर रेजिस्टेंट है। तो वाटरप्रूफ जो मेकअप है वो बारिश के मौसम में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपकी स्किन के लिए। सो द थर्ड टिप इज एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश या सोप। बारिश के मौसम में आप कोशिश कीजिए कि एंटी बैक्टीरियल सोप या फेस वॉश यूज करें, जैसे कि उसमें नीम होना चाहिए या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे टी ट्री ऑयल होना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर हमारे फेस पे ब्रेकआउट्स भी हो जाते हैं या फिर डस्ट जमा हो जाती है, ह्यूमिडिटी की वजह से चिपक जाती है। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जैसे नीम हुआ या फिर टी ट्री ऑयल हुआ, तो इनकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये जो है हमारे फेस पे जो ब्रेकआउट्स होते हैं उन्हें प्रिवेंट करता है। फोर्थ टिप इज कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ये एक एंटीबैक्टीरियल पाउडर है, ये अगर आप बॉडी ओडर अवॉइड करना चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सॉक्स से या शूज़ में कहीं थोड़ी बहुत बारिश की वजह से स्मेल आ रही है, उसमें भी आप डस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या फिर अपने अंडर आर्म्स में। वैसे तो पाउडर यूज़ करना मना करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल डस्टिंग पाउडर है इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ट्राई टू यूज़ दिस ड्यूरिंग रेनी सीजन। फिफ्थ स्टेप ये है कि हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो कि बहुत जल्दी सूख जाएं, लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सिंथेटिक ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो हमारा स्वेट जो हमें ह्यूमिडिटी से आता है वो अब्जॉर्ब नहीं करते हैं और बहुत ही स्टिंक करने लगते हैं, फाउल ओडर आती है उनमें से। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा फैब्रिक चूज़ करना चाहिए जो कि थोड़ा हवादार भी हो और जल्दी सूखे भी, ब्रीदेबल हो बेसिकली। क्रेप, अगर अच्छी क्वालिटी का आप क्रेप पहनेंगे तो वो आपको बहुत सूट करेगा बारिश के मौसम में। और आजकल एक नया फैब्रिक आया है जिसको बोलते हैं लीवा, LIVA, लीवा। तो ये फैब्रिक भी जो है ये काफ़ी जल्दी सूख जाता है और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर कीपिंग दिस फैब्रिक। बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स के पास भी जो है इसके कपड़े मिलते हैं। अगर आप ये फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसके कपड़े पहनते हैं, तो बारिश के मौसम में जल्दी भी सूखेंगे और बॉडी ओडर से भी बचेंगे। फुटवेयर का
हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए बारिश के मौसम में। अक्सर लोग क्या करते हैं कि रबर की चप्पल या ऐसा कुछ फुटवेयर पहनना पसंद करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगी वो भी कभी कभी स्टिंक कर सकती है, कभी कभी गीली होने के बाद उसमें से भी स्मेल आ सकती है। बेस्ट ये रहेगा कि आप ऐसा फुटवेयर चुनें जो कि आपके फुट के स्वेट को अब्सॉर्ब कर ले और साथ में स्लिपरी ना हो। स्लिप होने का बहुत डर होता है बारिश के मौसम में, हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शूज़ पहने। अगर आप वेस्टर्न आउटफिट्स पहनते हैं तो उसके साथ आप स्पोर्ट्स शूज़ या फिर दूसरे तरह के आजकल बहुत से शूज़ आते हैं तो उस तरह के शूज़ कंबाइन करें और सॉक्स ना पहनना भूलें। हाँ, अगर आपको लगता है कि सॉक्स में से स्मेल आ सकती है तो कैंडिड पाउडर इज देयर। एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इंडियन वेयर पहन रहे हैं तो आप थोड़ी सी हील पहने, 2 या 3 इंच काफ़ी होगी, ब्लॉक हील या वेजेस, क्योंकि पतली हील फिर से उससे गिरने का या स्लिप होने का डर रहता है बारिश के मौसम में। तो आप ये 2-3 इंच की वेजेस पहने से क्या होगा कि अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी है तो आपका पैर गीला नहीं होगा और आप आराम से उस हील के साथ उस पे से धीरे धीरे वॉक करके जा सकते हैं। बिल्कुल अगर हम फ्लैट पहनते हैं तो क्या होता है कि उसमें पैर गीला होने का भी डर होता है, लेकिन अगर हम 2 से 3 इंच हील पहनते हैं तो उससे हमारा पैर गीला भी नहीं होता है और कहीं थोड़ा बहुत पानी हो तो हम उसमें से आराम से निकल भी जाते हैं। लेकिन हाँ, बस ये ध्यान में रहे कि पैर डगमगाए नहीं। हमारी लास्ट टिप ये है, बी स्टाइलिश। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, अभी तो लगातार बारिश होती रहेगी, हम अपना पूरा स्टाइल छोड़ दें, कुछ गिने चुने कपड़े पहने और कुछ टिपिकल से फुटवेयर पहन लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बारिश के सीज़न में भी स्टाइलिश लग सकते हैं अगर आप राइट कलर्स चुनें। जैसे कि बहुत डल कलर्स मत पहनिए, थोड़े ब्राइट कलर्स पहनिए क्योंकि मौसम वैसे ही बाहर बहुत डल होता है। ब्राइट कलर्स चुनिए, थोड़ी सी एक्सेसरीज इस्तेमाल कीजिए। अगर एक्सेसरीज जैसे इयररिंग्स वगैरह आपको लगता है बीक के ख़राब हो जाएंगी तो आप थोड़ा कुछ जंक ज्वेलरी यूज़ कर लीजिए, स्कार्व्स यूज़ कर लीजिए जो क्विक ड्राइंग हो, जल्दी सूखते हैं। और हाँ, अब अगर मेकअप वाटरप्रूफ अवेलेबल है मार्केट में तो उसे बिल्कुल भी यूज़ करना मत भूलिए। डू नॉट लीव योर स्टाइल ड्यूरिंग द रेन्स। डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़िए। लता INC देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।